भाई लोग, क्या आपको पता है कि हमारे जो दादा परदादा थे उनके पास स्कूटर्स हुआ करती थी, बहुत ही फैंटास्टिक हुआ करती थी, लेफ्ट हैंड साइड में गियर वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा मज़े बचपन में हमने किए सामने ऐसे खड़े रह के। लेकिन वो फील आज मिलना ज़्यादातर इम्पॉसिबल लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास आज ऐसी चीज़ है जिस चीज़ से आप वो चीज़ का मज़ा ले सकते हो। उसी चीज़ का फील लेने के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ ऑल न्यू वेस्पा VXL 125। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वंस अगेन दिस इज रोहित दुबे एंड वेलकम टू कॉकटेल बडीज। तो इस व्हीकल के बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, स्कूटर के बारे में क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish I was a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. People going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are साइड सीन करने आना है तो अपने को कहीं ना कहीं जाना, लेकिन सूरत व्यू को एंजॉय कर रहा हूं मैं आज वेस्पा के साथ में। अब इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे जो स्ट्रीम है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वैसे मैं इस स्कूटर को 2 घंटे से राइड कर रहा हूँ। आई फील सो गुड अबाउट दिस मैन, लिटरली इसकी राइडेबिलिटी बहुत अमेजिंग है। अब जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है प्याजो, और वेस्पा प्याजो जो है वो ओन करती है वेस्पा और एप्रिलिया दोनों को। तो आज हमारे को ये प्रोडक्ट मिला है वेस्पा का VXL 125। अब इसमें जो है नॉर्मल स्कूटर्स के जैसे आज के जैसे BS6 कंप्लाइन इंजन होते हैं, CVT के साथ में आते हैं, इसका भी सेम ऐसा ही है। तो इसके इंजन के बारे में मैं अगर बात करूँ तो इसमें टू बी वेरी एग्जैक्ट 124.6 cc जो है आपको इंजन देखने मिल जाता है। सिंगल सिलेंडर है, फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायन के साथ में। अगर मैं इसके पावर और टॉर्क फिगर की बात करूँ तो 9.48 PS का आपको इसमें पीक पावर मिल जाएगा 5500 RPM में अराउंड, और उतना ही यानी 9.48 Nm का आपको पीक टॉर्क मिल जाएगा उतने ही RPM के। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो पावर और टॉर्क फिगर इसमें रिटर्न है, जो लिखे गए हैं, वो प्रैक्टिकली इसमें फील होते हैं। बाकी के स्कूटर्स के जैसा नहीं कि भाई प्रैक्टिकली उसमें 11 PS का पावर लिखा है लेकिन वो फील नहीं होता। इसका आप थ्रॉटल खींचोगे तो ये फील देती है वैसा कि भाई नहीं भाई, लिटरली इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 Nm का जो है टॉर्क इसमें दिया जाता है। इसमें किक स्टार्टर भी एक्स्ट्रा में ऑप्शन में अवेलेबल है और सेल्फ स्टार्ट एज स्टैंडर्ड आता ही है इसमें। अब सबसे पहले मैंने मोटर की बात बता दी आपको, अब इसका जो एलिगेंसी है, डिज़ाइन है, उसके बारे में बात करते। ओके, तो वेस्पा आज की कंपनी नहीं है, जमाने की कंपनी। इस कंपनी के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा कि एक एविएशन इंजीनियर थे तो उन्होंने जो एरोप्लेन आते थे उस ज़माने के, तो उसके जो व्हील्स थे वो निकाल के स्कूटर बनाई थी।
ताकि लोगों को जो सिटी के अंदर कम्यूटिंग है वो चीप हो जाए, मतलब सस्ती हो जाए। ये विजन से वो कंपनी ये फाउंड हुई थी वहाँ इटली वगैरह में। लेकिन फिलहाल में वेस्पा और एप्रिलिया के मेजर स्टेक होल्डर पियाजो है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में ही होता है। तो इंडियन जो कस्टमर्स है ये क्या ऑफर करती है उसके लिए? हाँ, लोगों को एक चीज़ तो बतानी पड़ेगी कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन क्या आता है उस प्राइस पॉइंट में, आइए सामने से लेते हैं, शुरुआत करते हैं। आप इधर आ जाओ। तो अगर सामने से देखा जाए तो इसका जो लुक है, इसका जो डिज़ाइन है, वो रिजेंबल करता है जो पुरानी वेस्पास इंडिया में बिकती थी उसी को रिजेंबल करता है। राउंड आपको हेडलैम्प मिल जाता है और रिसेंट टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको मिल जाती है और LED हेडलैम्प्स जो है आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। स्टिल उन्होंने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करने के बावजूद भी इस चीज़ का डिज़ाइन और रिजेंबलेंस अपने प्रीवियस जो दादा परदादा थे उसके हिसाब से चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे आपको बॉडी अगर देखने मिल जाएगी तो बॉडी में ही इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको वेस्पा का जो है बैजिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इनकी जो पैरेंट कंपनी है पियाजो उसका बैजिंग मिल जाएगा। यहाँ पे पुराने ज़माने में भी कुछ इस तरह के वेंट्स हुआ करते थे ताकि जो स्टोरेज में अगर आप खाना वाना रखते हो स्टोरेज स्पेस में तो वो आपका ख़राब ना हो, तो एक एयर फ्लो जनरेट करता है पॉजिटिव प्रेशर के साथ में, इसीलिए। तो ये चीज़ अब भी फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट है। और ये जो बैज है ये चीज़ एक्चुअली पुराने ज़माने में लोगों ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते थे, सिंपल होते थे, तो ये भी एक चीज़ है जो रिजेंबल करती है, ये चीज़ जो है वो भी रिजेंबल करती है पुराने डिज़ाइन को। इसमें एक चीज़ देखने लायक है, इसके जो व्हील्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसमें 5 spoke जो है रिम आते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से अगर देख सकते हो तो इसमें LN की के ग्रेडिट नट एंड बोल्ट्स का यूज़ किया गया है। आप ध्यान से अगर इसको चलाओगे तो ये जो चीज़ है वो एक सेंटर पैच रहती है, ये रोटेट नहीं होती है, व्हील रोटेट होगा ये नहीं होगा, तो ये एक रोल्स रॉयस टाइप का फील जो है वो देती है। और इस मॉडल में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में देखने मिलेगा। इसका जो 150 वेरिएंट आता है उसमें आपको ABS भी देखने मिलता है, फ्रंट और रियर में दोनों में आपको जो है ABS देखने, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है 125cc वेरिएंट में, 150cc लेंगे आप तो उसमें आपको जो है ABS देखने मिल जाएगा। इसका जो व्हील है बहुत ही शानदार लगता है मेरे को, सिंगल साइडेड आपको मिलता है इसमें, ये भी चीज़ जो है जो सिंगल साइडेड इन्होंने मोनोशॉक दिया है और यहाँ पे आपको फिर से क्रोम के साथ में वेस्पा की बैजिंग देखने मिलती है, तो ये भी रिजेंबल करता है पुराने डिज़ाइन को। ऑफकोर्स है सामने में ये सेंसर एक्चुअली सेंसर्ड है, इसका जो मीटर केबल होता है वो सेंसर्ड होता है, कोई एनालॉग नहीं, नथिंग। अब बात करते हैं, आप पूरी तरह से ध्यान से अगर इस व्हीकल को देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, यहाँ पे कहीं मतलब आपको जॉइंट्स नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ से लेके तो बैक एंड तक पूरी की पूरी गाड़ी एक मोनोकॉक डिज़ाइन है, पूरी की पूरी जो गाड़ी है आपको मोनोकॉक डिज़ाइन के साथ में जो है देखने मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके जो स्टोरेज स्पेस है और क्या क्या मिलता है हमको स्टोरेज स्पेस में, वो भी बात करेंगे। आपको सादी जो है चाबियाँ ये देखने मिल सकती है, सादी चाबी आपको सीट में इंटीग्रेट की जाती है इसमें। तो अगर आपको फ्यूल भरवाना है तो आपको यहाँ से जो है फ्यूल भरवाना है। मेरे को एक चीज़ बुरी ऐसी लगी कि यहाँ पे शायद तक कोई कवर आता है क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट दिख रहा, फिलहाल ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो उसमें ये लगाया नहीं गया। इसका साइड स्टैंड भी इंटीग्रेट नहीं किया गया है। हाँ, ये देखिए मुझे दिख गया है वो चीज़। तो या स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये एक्चुअली यहाँ का कवर है तो मैं गैरेज के काम यहाँ पे नहीं करता हूँ, इसको ऐसे ही रहन देता हूँ। तो स्टोरेज स्पेस जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे जो देख रहे हो आप इस साइड में, ये एक्चुअली यहाँ पे लाइट लगती है, जब भी आप सीट खोलते हो तो लाइट ऑन हो जाती है, इनकेस अगर आप डार्क में गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई सामान को एक्सेस करना है तो यू शुड हैव दैट लाइट। ये एक फंक्शनल चीज़ है, आपको USB चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे जो ये देख सकते हैं आप, USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी और सोफिस्टिकेटेड सोच है, आज के ज़माने में सबके पास 5 फोन, उसकी बैटरी ज़्यादा टिकती नहीं तो यू कैन चार्ज। जो वेस्पा के स्टाइलिश रियर व्यू मिरर्स है वो इस डब्बे में है, जब भी ये गाड़ी डिलीवर होगी तो आपको उस कस्टमर को
हर चीज़ लगा के मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग सीट कुशनिंग की, तो सीट कुशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी जो इसका फोम है थोड़ा मेरे को स्टिफ लगा, हार्ड लगा, थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है लंबे रन में, बट लुक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करी उनने। यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का जो है ग्रैब हैंडल देखने मिल जाता है पिलियन के लिए, स्टेनलेस स्टील का ग्रैब हैंडल देखने मिल जाता है पिलियन के लिए, और यहाँ पे क्रोम के एक्सेंट्स भी दिए हैं टेल लैम्प पे, ये भी रिजेंबल करता है पुराने डिज़ाइंस को। ओके, अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आप देख सकते हैं, तो ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मैं हर बार लोगों को समझाता हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ कि चाबी का इग्निशन ऑन किए बरोबर ही सेल्फ नहीं मारना, आपने थोड़ा फ्यूल पंप प्राइम होने के लिए रुकना है 2 मिनट तो भी, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है फ्यूल इंजेक्टेड है। इसमें सेमी डिजिटल जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिलेगा, जिसमें स्पीड आपको एनालॉग मिलती है, यहाँ पे आपको जो क्लॉक है वो डिजिटल मिलेगी, फ्यूल का लेवल जो है वो भी डिजिटल देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड बटन है जिससे मैं टॉगल कर सकता हूँ ट्रिप ए, ट्रिप बी, और जो फाइनल ओडो आता है इसका ओडोमीटर वो। यहाँ पे आपको बाकी के जो है जो टर्न सिग्नल्स है वो भी आपको जो है डिजिटल में देखने मिलते हैं, जो टर्न सिग्नल्स है वो डिजिटल में देखने मिलते हैं। यहाँ पे हेडलाइट का अपर आपको देखने मिल जाता है, और यहाँ पे हेडलाइट का ऑन ऑफ स्विच जो है वो भी आपको देखने मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स का इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से देखने मिल जाएगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ऑल एंड सोल जो इसका एक प्लस पॉइंट बताऊँ तो इसकी जो हैंडल ग्रिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, मतलब जो ग्रिप है हाथ को प्रॉपर देती है, और इसमें भी उन्होंने क्रोम एक्सेंट्स जो है डाले हैं। अब इसका जो ब्रेकिंग है मुझे इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि पीछे में ड्रम ब्रेक्स है और इट थोड़ी यानी ब्रेक लीवर जो है वो अप्लाई करने के थोड़े माइक्रोसेकंड बाद वो क्लिक इन होता है, और उस समय थोड़ा डर लगता है कि भाई जब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है वो थोड़ी देर बाद क्लिक इन क्यों हो रहा है। तो ये CBS जो इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ टेक्नोलॉजी, शायद उसका कुछ इशू होगा। दूसरी सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे उन्होंने पैडिंग डाली है, जैसे मैंने बताया यूनिबॉडी है तो इसमें सेपरेटाइज उन्होंने पैडिंग नहीं डाली, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पैडिंग्स डाली है। यहाँ पे आपको जो है फुट रेट देखने मिल जाएगा पिलियन के लिए, और ये काफ़ी अच्छी ग्रिप जो है पैरों को प्रोवाइड कर देते हैं। इन ऑल टोटल अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक बताऊँ इस गाड़ी के बारे में, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन अ स्टाइल, तो अगर आपको शॉर्ट स्पिन करनी है वीकेंड्स में तो भी ये गाड़ी परफेक्ट है आपके लिए। प्राइस पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन दिस थिंग मेक्स यू फील बेटर एंड मेक्स यू मतलब आपको चार लोगों के बीच में स्टैंड आउट करने के लिए मोर देन इनफ है इस प्राइस पॉइंट में। प्राइस पॉइंट्स और ऑन रोड जो आपको कीमत है वो डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेरीज है इस गाड़ी को रिलेटेड, आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो इशू। टिल देन गाइस, दिस इज रोहित दुबे साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। टिल देन सी यू अगेन।